और यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ निकाली है और टेस्ट कर रहे हैं अब सभी कोई खा रहे हैं काफ़ी। अब जो बन गया है उसको खा के देखते हैं कैसा लगता है। वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में और सभी को एक बार हैप्पी दिवाली। और आज हम लोग का हैप्पी दीपावली पिकनिक होने वाला है, तो आप देख सकते हो हम लोग इधर ये दिख रहा है कुछ, ये जो दिख रहा है ये हम लोग ले कर जा रहे हैं, अभी घर पे ही हैं, अभी निकलने वाले हैं। और यहाँ पर देख रहे हो ये अलेक्स है, अलेक्स भी जाने के लिए रेडी चलो चलो बोल रहे हैं, पर ये गाड़ी में जाऊँगा बोल रहा है, इधर गाड़ी लगा है, ये गाड़ी में आएगा, हम लोग तो अभी निकलेंगे। और यहाँ पर सभी कोई देख रहे हैं, हाँ बड़ा गाड़ी से आऊँगा बोल रहा है अलेक्स, इधर बोलो बड़ा गाड़ी से आऊँगा, बड़ा गाड़ी से आऊँगा, हाँ ये अलग से ये बड़ा गाड़ी से आएगा। तो चलिए हम लोग जाते हैं और आप लोगों को दिखाते रहेंगे ब्लॉग में कि जैसे लास्ट टाइम दिखाया था ना हम लोग का जो साउथ स्टाइल में था, इस बार भी उसी तरह से कुछ करके देख रहे हैं, तो बने रहो इस ब्लॉग में मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग अपना डेस्टिनेशन पहुँच गए हैं और यहाँ पर आग जला रहे हैं, लकड़ी सब इकट्ठा कर लिया आप देख सकते हो, और इधर प्याज लहसुन सब कटाई चल रहा है आप देख सकते हो। अभी हम लोग अभी आग जला रहे हैं, लकड़ी इकट्ठा कर लिए हैं, तो इसके बाद इस तरह से कैसे बनाते हैं ना उसको भी दिखाते जाएंगे और कैसे खाएंगे कैसे पार्टी करेंगे सारा, तो बने रहना इस ब्लॉग में और मज़ा लेना। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अश्विन भाई यहाँ पर बड़ा पत्तल दोनल छील रहे हैं, और यहाँ पर मेरे द्वारा बनाया गया ये पत्तल है, आप लोगों को पसंद आएगा तो बताना कमेंट करके ज़रूर। और यहाँ पर जो नीरज देख रहे हो नीरज भाई के द्वारा ये काटा गया है, लहसुन प्याज मिर्चा तैयार किया गया है। और इधर विकास और राजू भाई को तो पिछले वाला में देखे थे, स्वाद को टेस्ट को बता नहीं पा रहा था, इस बार क्या बयां नहीं कर पाया था, इस बार बयां कर पाता है कि नहीं पाता है फिर से देखेंगे। इधर लहसुन छील रहे हैं, और ये जो मेरे द्वारा दोना बनाया गया है वो भी एक कट वाला दिख रहा है, कोई स्टाइल आदिवासी भालू भाषी कल्चर में जो हमारा ये जो नेचुरल का है ना, हम लोग जो पिकनिक मनाने आते हैं आप देख सकते हो जंगल झाड़ में आते हैं, और हमारे पास जो सामान रहता है वो हम ले के नहीं आते हैं, बस ये जो एक डिक्ची है जो खाना बनाने के लिए और एक कढ़ाई ये लेकर के आते हैं, और बाकी बात हम लोग जंगल से यूज करते हैं, देख सकते हो आप दोना पत्तल यूज करके बनाते हैं। और यहाँ पर कढ़ाई पे तेल डाला जा रहा है आप देख सकते हो, जो कि मीट बनने वाला है, और ये तेल चला गया है, मसाला अभी तेज पत्ता डाला गया है, अभी मसाला डाला जाएगा हो जाएगा, और ये शानदार राजू के द्वारा, और ये काफ़ी गर्म है, और ये काफ़ी शानदार दिख रहा है, ये प्याज को डालो भाई आधा डालना भी, और ये शानदार बचा रहो, हाँ और ये शानदार मसाला तैयार हो रहा है काफ़ी भुनता हुआ, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है, मसाला डालते हुए मसाला डालते हुए टेस्ट कहाँ है वो लोग अभी मीट मसाला तैयार हो गया, अभी मीट डालेगा आप मीट देख सकते हो करीब 5 किलो होगा, देख सकते हो काफी कलर में दिख रहा है, रेड लेवल तो बड़े, और ये ना। डालते हुए हाँ पक गया, वो बन गया, वो राइस बन गया है उधर अभी, और इधर यह डालते हुए ये काफ़ी शानदार डल गया है देख सकते हो, ना मेरे को पीस नहीं दिए चूल्हा के लिए, और ये काफ़ी शानदार दिख रहे हैं, बनने के बाद दिखेगा इसका टेस्ट, काफी सुंदर काफी अच्छा दिख रहा है ये मिर्च, ठीक है
और यहाँ पे मीट को ढक दिए हैं। ढकने के बाद आप लोग को हाल दिखाएंगे कि मीट का हाल क्या होता है। और ये शानदार तरीके से हम लोग का ढक्कन भी तैयार हुआ है नेचुरल तरीके से, जो जंगल के पत्तों का, जो सलाई के पेड़ के पत्तों से बनाया गया है। और इधर जो राइस बन गया है उसको राजू भाई और ये मुन्ना, ये लोग इसके पानी निकाल रहे हैं, यानी से पानी पसा रहे हैं फिर जंगलों में। उसको तो पक्खन में ही रख दो, काफी अच्छी तरह से बन रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हम लोग के यहाँ पे मीट काफी अच्छी तरह से तैयार हो गया है और लग रहा है आप लोगों को। और यहाँ पर थोड़ा ग्रेवी किए हुए थे, पकने के लिए थोड़ा पानी डाले और ये काफी अच्छी तरह से पक रहा है। और ये काफी अच्छी तरह से पक ही गया है, तैयार ही हो गया है, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ निकाली है और टेस्ट कर रहे हैं, अब सभी कोई खा रहे हैं काफ़ी। अब जो बन गया है उसको खा के देखते हैं कैसा लगता है। लाजवाब, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। लाजवाब है ये। हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हो हमारे जो गेस्ट आए हुए थे वो आ गए हैं और अभी पार्टी हमारा हो गया, अब खाना खाने का बारी है। यहाँ खाना खाने बैठ गए हैं, अब देख सकते हो जो केरला स्टाइल में लगा हुआ है। तो अभी उनसे पूछेंगे कि हम लोग के साथ जो दीपावली पार्टी मनाने के लिए आए थे, तो दीपावली पार्टी में उनको कैसा लगा हम लोग के साथ में इंजॉय करने के लिए। तो ये अनिकेत भाई साहब हम लोग के साथ में है, तो अनिकेत साहब थोड़ा बता दो कि आपको थोड़ा हमारे साथ पार्टी में जो दीपावली में इंजॉय करने के लिए आए तो कैसा फील लगा, आपका अनुभव कैसा रहा। अरे एकदम डन, बहुत अच्छा लगा भाई, एकदम जंगलों के बीच आए हैं, मस्त लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि पहली बार आए हूँ बहुत दिन बाद ऐसे। बहुत अच्छा लगा एकदम। एक्चुअली हम लोग का मीटअप भी कम से कम एक साल हो गया, हम लोग कभी एक साल के बाद मिले नहीं थे, तो फिर एक साल के बाद कुछ मिल जाए फिर पार्टी हो जाए ऐसा था, तो फिर बहुत अच्छा लगा। अरे बहुत अच्छा लगा आपके साथ भी मिलके, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग का जो व्यवस्था था वो कैसा था, वो बढ़िया है, मस्त लग रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है। ये देखो दिखा रहे खाना दिखा रहे। ये हमारा जो स्टाइल है वो हम ये चीज दिखाते हैं कि नेचुरल स्टेट में हम लोग ये दिखा रहे हैं कि हम लोग का जो पहाड़ जंगल है, तो हम लोग के पास जो व्यवस्था है पहाड़ जंगल से उसका यूज करके हम लोग ये पिकनिक मनाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है हमारे लिए, और आप लोग भी देख सकते हैं, आप लोग भी सीख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से करते हैं। और कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है, डन एकदम, अभी खाना खाते हैं एकदम बढ़िया। हाँ, दिखा दीजिए थोड़ा सा भाई लोग को एकदम। फिर और भाई लोग आप लोग बता दीजिए कैसे, मस्त एक नंबर। और कुछ दो शब्द बोल दीजिए कम से कम। अब क्या बोलूँ, मेरे को ना यहाँ पे बढ़िया लगा, मतलब बाहर में खा रहे ना, हाँ, मजा नहीं आता है। हाँ, बाहर में एक नंबर मस्त लगा। हाँ, ये चीज है कि बाहर घर में तो हर दिन गाते हैं, बाहर का खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। ये चीज भी है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और आप भाई कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, सलामी तक तो बाहर रहता हूं, बाहर में जंगल के बीच में रह के खाने को मिला मेरे को, मतलब केला का पत्ता में। हाँ, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा जो केला का पत्ता है, ये एक्चुअली जो मौका मिला खाने को बीच में आप लोगों के बीच में, कभी ऐसे मौका नहीं आता। हाँ हाँ, आप लोग भी हम लोग के साथ आए, हम लोग के साथ काफी अच्छा लगा। और ये जो बताइए मेरे को ना थोड़ा सा और एक चम्मच, मेरे को ना खाना लेने का मन कर रहा है। अच्छा बिल्कुल भैया, आप इसे एक चम्मच और एक चम्मच खाना दे दीजिए। बिल्कुल एक नंबर। और ये हमारे ये तीन जो हमारे गेस्ट थे और हमारे जो गांव के हैं उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे आज का जो पार्टी कैसा था। और यहाँ पर मुन्ना माइकल है, मुन्ना माइकल कुछ बताएंगे आज के पार्टी के बारे में किस तरह था। अच्छा लग रहा है, हमारे साथ जो भाई जो गेस्ट लोग आए थे उनके साथ भी काफी अच्छा लगा। हाँ, अब खाना खाने के बाद भी कुछ थोड़ा टेस्टी वेस्टी किस तरह का था माहौल,
वो भी बता सकते हैं। अच्छा जमा, आज का भी बढ़िया था, अच्छा लगा आज का भी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक भाई इधर खाना लगा हुआ है, पर कुछ भाई लोग थोड़ा खाना बांटने में बिजी है तो उनसे कुछ बात नहीं हो पा रहा है। फिर और यहाँ पर राकेश भाई, हमारे गांव के राकेश भाई हैं, तो राकेश भाई बताएंगे आज का माहौल, जो दीपावली था ये हमारे लिए किस तरह से था और हमारा जो सेलिब्रेशन था वो कैसा था। थोड़ा दो शब्द बता दीजिए हमारे दर्शकों को। बहुत अच्छा था आज, बहुत अच्छा था। जो हमारा जो बना हुआ था, जो प्लान था वो किस तरह का था? जो ये हमारा ये प्लान था, ये एक्चुअली पहले कोई डिसाइड नहीं किया गया था, ये हमारा भी प्लान था, अचानक प्लान था। तो अचानक प्लान वाला कुछ बता दीजिए किस तरह से था, क्या हुआ? ये तो अचानक हो गया, उसके बाद दोस्त लोगों के साथ मिले, फिर सब हो गया हम लोग का। हाँ हाँ, ये भी एक्चुअली मैं भी एक्चुअली आज के बारे में तो पता नहीं था, अचानक हो गया था, फिर अचानक हम लोग आ गए और अचानक प्लान बन गया। हाँ, अचानक आ गया। और ये ब्लॉगिंग, अब खाना खाने का टाइम हो गया तो सब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप लोग से थोड़ा सा मिलेंगे 2 मिनट। अब रात भी हो गया है काफ़ी, और यहाँ पर जो हमारे साथ जो बांट रहे हैं उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है। और ये राजू भाई हैं, और इधर एक नीरज, और इधर विकास, जो खाना पहले बांट चुके हैं। और अनिकेत खाना खा लिए? सुनना भाई। हाँ बताइए। जिंदगी में पहली बार ऐसा मेरे को खाने को मिला। हाँ हाँ, जिंदगी में पहली बार केला की पत्ती में। और ये बंडा, बंडा का जो चिकन, चिकन चिकन नहीं, चिकन नहीं, मटन नहीं, मीट मीट बोलते हैं। एक नंबर लगा, एकदम एक नंबर। चलो बढ़िया। और अनिकेत भाई कैसा रहा खाने का बता दो। लास्ट तक खाए, एकदम खाना के साथ खाए, बहुत बेहतरीन लगा। भले रात हो गया लेकिन बहुत अच्छा लगे, डन एकदम एकदम डन। एक चीज बताऊं मैं, कैमरा में को लाज लग रहा है, शर्म लग रहा है। कैमरा में शर्म की कोई बात नहीं है, खुलिया हम खुला दिल से बोल नहीं पा रहे, लेकिन मेरे को ना दिल से बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, दिल से बहुत अच्छा लगा। और ये लास्ट हमारा लास्ट भाई है, अश्विन भाई, अश्विन भाई अभी तक ये देख सकते हो, उधर नीचे दिखा दिया भाई, ये देखो अभी तक लास्ट अभी खत्म किए हैं। तो ये लास्ट वाला अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, तो थोड़ा शुरू से लेकर लास्ट तक का कुछ एक्सपीरियंस बता दो, कैसा रहा हमारा प्रोग्राम, कैसा रहा? लाजवाब। नहीं नहीं, हम लाजवाब तो था, पर हम थोड़ा शुरू से आपका जानना चाहते हैं कि शुरू से हमारा प्रोग्राम कैसा रहा, शुरू से क्या क्या हुआ? थोड़ा प्लानिंग नहीं था, अचानक बन गया। हाँ, फिर हम लोग गए, फिर क्या क्या किए थोड़ा बता दो, क्या था? बर्तन वर्तन जुगाड़ किए, शुरू में तो मीट वीट काटे, उसके बाद में फिर अचानक प्लान बना दोस्तों के साथ, उसके बाद में हम लोग आए इधर, थोड़ा अच्छा एरिया है ये, अभी तो रात हो गया, मादनिया बोलते हैं वो, अच्छा इलाका है यहाँ पे, थोड़ा खुला एरिया, वहाँ पे थोड़ा आप जहाँ पे अपने आप पानी निकलता है उसको हम को पनका पजरा बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये नेचुरल स्टाइल में जो नेचुरल स्टाइल में जो अपने आप पानी निकलता है उसको बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग वहीं से पानी वानी व्यवस्था किए, फिर यहाँ पे खाना मटन वटन बनाए, यहाँ पे मीट वगैरह, उसके बाद में अभी खाना वाना खा रहे हैं, तो बहुत लेट हो गया है, ज्यादा लेट नहीं हुआ है ये, अभी अभी करीबन 6 ही बजा है, पर आजकल थोड़ा जो रात होता है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा लग रहा है, थोड़ा दिन छोटा है तो जल्दी रात हो जाता है, तो क्या ही बोल सकते हैं। तो ये जो काफी अच्छा था, एकदम मीट वगैरह एक नंबर था, ये देखो अच्छा है, ये इसके प्लेट में कुछ बचा ही नहीं है लग रहा है, देखिए इस तरह से खाए हैं, इस तरह से बना था हमारा सब्जी टेस्ट, आपने देखा होगा अभी वीडियो में दिखाए थे आपको किस तरह से बना था। अभी थोड़ा स्वच्छ अभियान चलेगा। हाँ हाँ, तो ये जो हमारे जो अश्विन भाई थे वो काफ़ी अच्छी तरह से बताया कि शुरू से लेके कि हम लोग ने पहले तो जो हमारा था जो चीज़ जो बंडी थी या बंडा था उसका हम लोग ने काटा, उसके बाद हमने प्लान बनाई, उसके बाद हमारा प्लान बना कि हम लोग पिकनिक जाएंगे, उसके बाद हम लोग ने बर्तन वर्तन जो भी जुगाड़ रहता है उसको लेकर के आए, और हमारा जो पिकनिक था वो बहुत बढ़िया तरीके से हुआ और बहुत अच्छे तरीके से हुआ, और हम लोग का जो होना था वो बहुत अच्छी तरह से हुआ, और आप लोग भी देखे होंगे कि किस तरह से बनाए, क्या किए क्या नहीं किए, तो फिर बहुत ही अच्छा तरह से था। तो जैसे आप लोग ने ये वीडियो देखा होगा तो बहुत अच्छा लगा होगा, या अच्छा नहीं भी लगा होगा तो बहुत बढ़िया है। अगर आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा भी लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट शेयर कर देंगे। हाँ, वही चीज़ मैं बोलना चाहता था, तो ये हमारे अश्विन भाई बोल दिए, तो इस भाई से भी बुलवाना चाहते हैं कि लास्ट में जो रहता है वो थोड़ा बोल दें कि जो करना रहता है वो थोड़ा अपने हमारे जो दर्शक हैं उनको बोल दीजिए। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, एकदम डन बढ़िया। हाँ, चैनल अभी आखिरी समय आ गया तो चलते हैं हम लोग भी घर। हाँ,
चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए बढ़िया, और शेयर भी कर दीजिए बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई ने बोला है। तो फिर ये ब्लॉग यहीं तक रहते हैं, अब रात हो गया काफ़ी, तो फिर हम लोग घर चलते हैं। ठीक है, फिर आप लोग जो बोले हैं भाई लोग वो कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बाय।